इस गर्मी के मौसम में हम 1,00,000 एसीज आपको फ्री में देना चाहते हैं। ऐसे एसीज जो सिर्फ गर्मी कंट्रोल करने में मदद ही नहीं करते लेकिन देश की गरीबी भी कम करते हैं। ऐसे एसीज जो इलेक्ट्रिसिटी पर नहीं चलते और नेचुरली भारत को ठंडा रखने में हेल्प करते हैं। बात हो रही है इनकी। ये है पेड़, आम के पेड़, और हम आपके साथ मिलकर इस गर्मी के मौसम में 1,00,000 पेड़ लगाना चाहते हैं। ये है हमारा आज तक का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो हम अकेले बिल्कुल नहीं कर सकते, हमें आपकी मदद की जरूरत है। इस साल हीट वेव ने हम सबका जीना मुश्किल कर दिया है। देश के कई एरियाज में टेम्परेचर्स 45 डिग्रीज छू रहे हैं और अभी मई का महीना शुरू भी नहीं हुआ है, गर्मी बढ़ रही है और इन हीट वेव्स का इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर होता है, कैसे हमने डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। लेकिन हमें विश्वास है कि कोई भी प्रॉब्लम सोल्यूशन के बिना जन्म ही नहीं लेता। गर्मियों में एक और चीज हमारे घर आती है और वो है मैंगोज। ये आम आपको आम से खास बना सकता है और वो भी आपकी लाइफ में उथल पुथल किए बगैर। यूजुअली हम आम खाते हैं और आम खाने के बाद ये गुठली कचरे में फेंक देते हैं। अगर कभी समय मिले तो आपके शहर के लैंडफिल में जाइए। आपके और मेरे ही घर के गीले कचरे की वजह से मीथेन रिलीज होता है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा डेंजरस होता है। आपने ये न्यूज पढ़ी होगी कि लैंडफिल में आग लग गई। ये आग मीथेन की वजह से ही लगती है। लेकिन आज का वीडियो आपको गिल्टी करने के लिए बिल्कुल नहीं है, एक सिंपल सा सोल्यूशन डिस्कस करने के लिए है, क्योंकि इस गुठली से मुफ्त के एसीज यानी पेड़ लग सकता है। पेड़ जिन्हें हमने सालों से इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि हम उनका इम्पोर्टेंस ही भूल गए हैं। आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन एक आम का पेड़ 50 सालों में 217 टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, 81 टन कार्बन अब्सॉर्ब करता है और इसका कूलिंग इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि मानो आपने 5 एसीज 1,000 घंटों के लिए चालू रखे हो। और ये बात सिर्फ एक आम के पेड़ की है और हम बात कर रहे हैं 1,00,000 पेड़ों। पिछले 2 सालों से हमने शुभजीत सर के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया। हमारे व्यूअर्स को एक सवाल पूछा कि इस साल आपने आम खाए जरूर लेकिन कितने पेड़ लगाए। हमारे सोशल मीडिया के फॉलोअर्स को रिक्वेस्ट की कि आम खाने के बाद गुठली कचरे में ना फेंके, इंस्टेड हमें दीजिए, हम इन्हें कलेक्ट करेंगे, पेड़ लगाएंगे और ये पेड़ किसानों को डोनेट करेंगे ताकि इनसे कल आम बन पाए और ये फल आपकी अगली पीढ़ी खा पाए। महाराष्ट्र फार्मर सुसाइड्स में नंबर 1 है। रीजन ये है कि इन्वायरमेंट और इकोनॉमी का बैलेंस बिगड़ रहा है और हम इस प्रॉब्लम को एटलीस्ट 1% सुधारना चाहते हैं। पहले साल में हमने 8,000 पेड़ लगाए, दूसरे साल हमने 25,000 पेड़ लगाए और अब टारगेट बहुत ज्यादा हाई है, 1,00,000 पेड़, और ये अकेले करना इम्पॉसिबल। यूजुअली हम सोचते हैं कि पेड़ लगाना बहुत इजी है, प्रोसेस तरीका आसान है, बट ऐसा नहीं है। एक बीज से पेड़ बनने का बहुत डिफिकल्ट और लंबा कहानी है। एक गुठली को जब हाथ में आता है उसको एकदम बच्चे की तरह संभालना पड़ता है, एंड अगर आम की बात करूं तो 9 महीने तक संभालना पड़ता है जिसके पहले कि वो एक पेड़ बन सके। 1,00,000 पेड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत ह्यूज नंबर है। 1,00,000 पेड़ के पीछे हमें कम से कम 10,00,000 गुठलियाँ कलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो गुठलियाँ हमारे पास आती है उसको क्वालिटी चेक करके, जर्मिनेशन करके, ग्राफ्टिंग करके और 1 साल तक जब रखते हैं तो ऑलमोस्ट 20% ही सर्वाइव हो पाता है। यानी 1,00,000 पेड़ सक्सेसफुली लगाने के लिए हमें एटलीस्ट 10,00,000 गुठलियां लगेंगी। नंबर काफी बड़ा है लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। इट इज एज सिंपल एज 1, 2, 3। आम खाने के बाद गुठलियों को ऐसे पानी से साफ कीजिए, फिर उन्हें सुखाइए और गुठलियां सूखने के बाद उन्हें इस एड्रेस पर पोस्ट कर दीजिए। दैट्स इट, आपका काम हो गया, फिर हमारा काम शुरू होता है। देखिए, इसमें इन्वॉल्वमेंट में 3 टाइप के लोग हैं। पहला जो पेड़ को बनाने में हेल्प करते हैं, दूसरा जो पेड़ को बड़ा करने में हेल्प करते हैं, तीसरा जो फार्मर्स है जिसको अल्टीमेटली लगा के बड़ा कर। इस एक छोटी सी एक्शन से 3 फायदे होते हैं। नंबर 1, आपका कचरा कम होता है, आपकी ये अनमोल सीड्स वेस्ट नहीं होते और लैंडफिल में कचरा बढ़ता नहीं। नंबर 2, पेड़ लगते हैं जो दुनिया के सबसे एफिशिएंट एसीज हैं। नंबर 3, किसानों की मदद होती है। आपके लिए मानो ये एक समर प्रोजेक्ट है जो आप आपके सोसाइटी में, आपके फैमिली में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इंडिया, भारत इस वक्त इतना बड़ा देश होते हुए $200 मिलियन का मैंगो एक्सपोर्ट करता है, लेकिन थाईलैंड जो इस समय 1 नंबर पे है वो लगभग $800 मिलियन मैंगो एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया से इतना छोटा है लेकिन वो हमसे 4 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट है। ये एक सोचने लायक बात है। आम बहुत ही खास होता है क्योंकि हम सबको आम पसंद है। इंडिया के 80% जगह में आम होता है,
कहा जाता है कि इंडिया में 500 से ज्यादा वैरायटी के आम होते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो आम एक एवरग्रीन पेड़ है, उसमें कभी पतझड़ नहीं आता है, तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा देता है। और बड़ी बात बताऊं, आम का जो एक पेड़ होता है ना बड़ा, उसमें हर टाइप के पक्षी, हर टाइप के इंसेक्ट्स, हर टाइप के लिविंग बींग्स उसमें पाए जाते हैं। टेरिटोरियल होने के बाद भी आम का एक ऐसा जगह है, पेड़ है, जहाँ हर टाइप का लिविंग बींग, सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी आपको मिलता है। आम सचमुच खास है। इस पूरे प्रोजेक्ट में हमारा लाखों रुपयों का खर्चा होने वाला है, क्योंकि हमें खाद खरीदना होगा, ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करना होगा, एक्चुअली 1,00,000 पेड़ लगाने होंगे और उनकी देखभाल करनी होगी। लेकिन हम आपसे डोनेशन बिल्कुल मांगना नहीं चाहते, इनफैक्ट हम आपको कुछ देना चाहते हैं। ये फॉलोइंग लव टी-शर्ट्स हमारे लिए स्पेशल है, इन्हीं से हमारे मिशन की शुरुआत हुई थी। हमने ये टी-शर्ट वेस्ट कॉटन और प्लास्टिक बॉटल से बनाए, यानी ये इको फ्रेंडली टी-शर्ट्स। मैं हमारे हर वीडियो में यही टी-शर्ट पहनता हूँ, पर आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमसे ये टी-शर्ट खरीदते हैं तो हम हमारे प्रॉफिट का सारा हिस्सा पेड़ लगाने में इन्वेस्ट करेंगे, भारत के फ्यूचर में और एनवायरनमेंट को साफ रखने में इन्वेस्ट करेंगे। यानी आप हमारी मदद तीन तरह से कर सकते हैं। एक है हमें गुठलियां भेजकर, दूसरा है हमारे टी-शर्ट्स खरीदकर ताकि हम इस इनिशिएटिव को फंड कर पाए, और तीसरा है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके। एंड यू नो व्हाट, अगर आपको इन तीनों में से कुछ भी नहीं करना है, इट्स टोटली ओके। आपके एरिया में सिमिलर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जरा सोचिए, व्हाट्सएप पर हीट वेव रिलेटेड न्यूज कोई भी शेयर कर सकता है, हीट के बारे में जोक्स कोई भी शेयर कर सकता है, लेकिन इस सोल्यूशन का हिस्सा कुछ ही लोग बन सकते हैं। पिछले 3 साल से जो एफर्ट्स कर रहे हैं, ये अब उसका थोड़ा बहुत सक्सेस दिखने लगा है। सक्सेस ये होगा कि जब एक फार्मर अपने आम के पेड़ के नीचे बैठेगा, उसको टेंशन नहीं होगा कि मेरा इनकम कैसे होगा, और उसके सामने आम लटके होंगे। ये 3 से 4 साल का प्रोसेस है, आम से पेड़ तक, एक गुठली से पेड़ तक, ये पूरा 3 से 4 साल का मेहनत है। अगर ये वीडियो WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram सब जगहों पर मिलकर 1 करोड़ लोगों तक पहुंचता है, तो 1,00,000 पेड़ लगाने का टारगेट बिल्कुल मुश्किल नहीं, क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि आप में से 1% लोग तो होंगे जो सोल्यूशन का हिस्सा बनेंगे। सो शेयर दिस वीडियो इन योर WhatsApp ग्रुप्स, टैग योर फेवरेट फ्रेंड्स, सेलिब्रिटीज, टीचर्स, लीडर्स, और उनके साथ एक कदम उठाइए, नेचुरल ACs लगाइए, क्योंकि एक के करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक एक के करने से बहुत फर्क पड़ता है, और इन दोनों लाइंस में सिर्फ एक का फर्क, एंड दैट्स द रीजन व्हाई फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इस साल हम हमारे एफर्ट्स को सिर्फ वीडियोस तक सीमित नहीं रखना चाहते, ऑन ग्राउंड लेकर जाना चाहते हैं। अगर आप भी हमारे इस सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हीट वेव से हमारी इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होता है, इसके बारे में हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। अगर आप घर पर कॉम्पोस्ट बनाना चाहते हैं, खाद बनाना चाहते हैं, तो कैसे, हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।